हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक छोरा 2.0 में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विवेक। दोस्तों आज हम आपके लिए एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर लेके आए। ये वो स्पीकर है और न्यू गोल्ड कंपनी से है। पता नहीं ये कंपनी है कि क्या है, पता नहीं जो भी हो, बट आपने दोस्तों बहुत सारे ब्लूटूथ स्पीकर देखे होंगे 1500 तक या 2000 तक या 500-600 सभी में आपको हो सकता है साउंड क्वालिटी बेटर मिले, बट ये सबसे सस्ता एक पोर्टेबल स्पीकर है जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही गजब है। मैंने यूज़ करके देखा है, तभी मैंने ये सोचा कि आज इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देते हैं। चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसी ये साउंड क्वालिटी देती है और कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह वगैरह जो भी हो, सारी चीज़ें इसके बारे में देखते हैं एक बार। दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो ओके दोस्तों, ये है वो स्पीकर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे आपसे। कुछ इस तरीके का कुछ इसके बारे में पहले मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें हाईलाइट की गई है। पहले दोस्तों ये थंडर पोर्टेबल स्पीकर है, जैसा कि आप देख सकते हैं थंडर पोर्टेबल स्पीकर है ये। और ये दोस्तों आईपैड, आईफोन, टैबलेट इन सभी के साथ ये कनेक्ट हो सकता है, साथ ही साथ कंप्यूटर के साथ भी ये कनेक्ट हो सकता है। और कुछ इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि ये वायरलेस है। इसका दोस्तों बैटरी बैकअप 3-4 घंटे का दिया गया, लेकिन ये 3-4 घंटा तभी चलेगा जब आप इसको मिनिमम वॉइस में सुनेंगे, यानी कि 60% या 70% के वॉइस में सुनेंगे तभी ये आपको 3-4 घंटे का बैटरी बैकअप देगा। विथ माइक हैंड्स फ्री फोन कॉलिंग के फंक्शन के साथ मिलता है। अब बट जहाँ तक मुझे पता है दोस्तों कि माइक का सपोर्ट तो शायद ही आपको देखने को मिलेगा। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, बट इन्होंने लिख दिया है। बाकी मुझे 100% विश्वास है कि माइक का सपोर्ट तो इसमें नहीं मिलेगा। और स्पॉटी मोड है, चलिए छोड़िए सब चीज़। और क्या क्या है और तो कुछ है नहीं, चलो चलिए खोल के देख लेते हैं। ओके, तो इसके साथ दोस्तों आप एक डेटा केबल मिलेगा, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, क्योंकि माइक्रो यूएसबी टाइप का है, माइक्रो यूएसबी डेटा केबल मिल जाएगा। और ये बॉक्स तो दिखने में दोस्तों ये स्पीकर कुछ आपको ऐसा दिखेगा जो सभी पोर्टेबल स्पीकर्स होते हैं, केडीएम के हो गए, केडीएम 113 का मॉडल हो गया या वुप्स स्पीकर के हो गए मॉडल, कुछ सभी के कॉपीराइटेड वर्जन है। तो देखने में आपको कुछ इस तरीके का ये मिल जाएगा। ऊपर की तरफ से कुछ चीज़ें बटन्स आपको हाईलाइट कर दी जाएगी, जैसे कि प्लस माइनस और पावर ऑन ऑफ बटन का हो गया, और आप इससे कॉल रिसीव भी कर सकते हैं। और अंदर की तरफ क्या क्या मिलता है ये भी देख लेते हैं दोस्तों ज़रा। अंदर की तरफ दोस्तों हमको ऑक्स केबल का सपोर्ट देखने को मिलता है। फाइनली दोस्तों इसमें तो हमें ऑक्स केबल का सपोर्ट देखने को मिल गया, ये रहा। और साथ में आप मेमोरी कार्ड डाल के भी सुन सकते हैं, पेन ड्राइव भी लगाकर सुन सकते हैं और ब्लूटूथ। चलिए जो इसकी मेन चीज़ है वो एक बार देख लेते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी साउंड क्वालिटी देखकर ही मैंने इसको परचेस किया था। चलिए फटाफट इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहले ब्लूटूथ मैं ऑन करता हूँ। The Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth mode. तो दोस्तों इसका साउंड तो आप सुन ही सकते हैं कि ऑन करने पे ये कैसी भौंक रही है। तो सोचिए जब ये बजेगा तो किस लेवल तक भौंका भौंकी हो जाएगा। तो चलिए मैं एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ इसको। ओके दोस्तों, ये NS113 के नाम से आता है, जैसे KDM113 है, हो सकता है KDM की कॉपी कर लेते हैं। तो कनेक्टेड हो चुका है। चलिए इसकी एक बार साउंड क्वालिटी चेक करते हैं, जो हमारा मेन पार्ट है। तो YouTube भैया कहाँ गए आप? इसका वॉल्यूम एक बार प्लस करके देखते हैं, इंक्रीज करके देखते हैं कितना ये मैक्सिमम जाता है वॉल्यूम। ओके, मैक्सिमम है इसका।
चलिए दोस्तों, तो जैसा कि आपने म्यूजिक सुन लिया इसका, अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे पता चली है। तो पहली बात तो दोस्तों ये कि अगर आप सोच रहे हो कि ये आपको बहुत ही हाई क्वालिटी साउंड देगी तो बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप कम बजट में एक लो रेंज में एक अच्छा सा पोर्टेबल स्पीकर चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें, अभी तो हम यूट्यूब पे सुन रहे थे इसीलिए हो सकता है साउंड क्वालिटी कम हो, जो कि हालांकि होता ही है। अगर आप MP3 में सुनेंगे तो ये आपको बहुत ही लाउड आवाज़ देगी, प्रोवाइड कर देगी। और बात करें इसकी कीमत की तो दोस्तों आप ये 350 से 300 के अराउंड में ये खरीद सकते हैं। अलग अलग शॉप पे अलग अलग रेट रहती है हर बार की तरह। तो बात करें जो भी अगर पोर्टेबल स्पीकर लेना चाहता हो, कम बजट में लेना चाहता हो, ज़्यादा पैसे एक पोर्टेबल स्पीकर के ऊपर खर्च ना करना चाहता हो, और ऑनलाइन क्लासेस हो गया या कोई छोटी मोटी मूवी देखते समय आप एक साउंड चाहते हैं, तो ये पोर्टेबल स्पीकर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इसे ले सकते हैं क्योंकि इतने रेंज में इतना साउंड तो अभी हाल फिलहाल यही स्पीकर प्रोवाइड कर रहा है। आगे बूब्स के भी स्पीकर्स आते हैं बट कहीं कहीं वो साउंड में मार खा जाते हैं, बट ये एक नई कंपनी है और जैसा कि आपको पता है पावर न्यू गोल्ड कंपनी है, पता नहीं कंपनी है क्या है मुझे पता नहीं चल रहा है। तो अगर आप भी 300 या 350 की रेंज में पोर्टेबल स्पीकर लेना चाहते हैं, वो भी वॉक्स केबल के साथ, जिसमें मेमोरी कार्ड पेनड्राइव सभी सपोर्टेड मिले, तो आप ये स्पीकर परचेस कर सकते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले प्रोडक्ट के साथ। तब तक लिए दोस्तों, जय हिंद।